प्रांजल आसाम का एक युवा है जो राजवीर का क्लासमेट है, सहपाठी है। प्रांजल के पिता चाय बागान के मैनेजर हैं अपर आसाम में, और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए, चाय बागानों में अपनी छुट्टी को बिताने के लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के 7th चैप्टर प्रोज का ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम, जिसको अरूप कुमार दत्त ने लिखा है, टी फ्रॉम आसाम, इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। इसको दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, चाय गरम गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। एक चाय वाला विक्रेता ऊंची आवाज में चिल्लाया, चाय गरम गरम चाय। ही केम अप टू दियर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। वह उनकी खिड़की तक आया और पूछा कि चाय साहब, गिव अस टू कप्स, हमें दो कप दो। प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा कि हमें दो कप दो। दे शिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीम मीन्स वाष्प, तो वाष्प निकलती हुई गर्म चाय की चुस्कियां लिया उन लोगों ने। किन लोगों ने? राजवीर ने और प्रांजल ने। ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। अधिकांश सभी लोग जो कंपार्टमेंट में डिब्बे में थे, सभी लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्या तुम जानते हो कि संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है? राजवीर सेड, राजवीर ने ऐसा कहा। वे ओ वाह, वे मीन्स वाह, एक्सक्लेम्ड प्रांजल। प्रांजल उत्तेजित हो गया, खुशी में चौक पड़ा। टी रियली इज वेरी पॉपुलर। चाय वास्तव में बहुत लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने फिर से जासूसी पुस्तक में अपने नाक को घुसा दिया, अर्थात फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी जासूसी कहानियाँ पढ़ने का शौकीन था। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस क्षण, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। इस क्षण वह बाहर का सुंदर दृश्य देखना चाहता था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, तो हरा था, सब जगह हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इतनी अधिक हरियाली कभी पहले नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बसेस। तब हरे धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियों ने ले ली, अर्थात जहाँ चाय की खेती होती थी वहाँ चाय की खेती होने लगी। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। यह एक भव्य दृश्य था, शानदार नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बसेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। गहरे जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थीं, जहाँ तक आंखें देख सकती थीं, जहाँ तक नज़रें जा सकती थीं, छोटे चाय के पौधे दिखाई दे रहे थे। ड्वार्फिंग द टीनी टी प्लांट्स वर टाल स्टडी शेड ट्री एंड अमिडस्ट ऑर्डरली रोज ऑफ बसेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स।
तो छोटे चाय के पौधे पौधों को बौना ठहराते हुए उसको काट काट के छोटा कर दिया गया था, ड्वार्फिंग कर दिया गया था। लंबे छायादार पेड़ थे और चाय की झाड़ियाँ सीधी पंक्ति में मध्य में व्यस्तता में घूमती हुई गुड़िया जैसी आकृति दिखाई देती थी। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोविंग आउट ऑफ टाल चिमनीज। दूर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसमें चिमनियों से धुआं बाहर निकल रहा था। हे अटी गार्डन, अरे अरे चाय बागान, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर ने उत्तेजना में चिल्लाया। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, प्रांजल जो एक बागान में जन्मा और पला था, डिडंट शेयर राजवीर से एक्साइटमेंट। उसने राजवीर की उत्तेजना में हिस्सा नहीं लिया, अर्थात वह उत्तेजित नहीं हुआ। ओह बोला, ओह अरे दिस इज टी कंट्री नाउ, अरे अब यह चाय का देश है। ही सेड, उसने कहा, असम हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम में संसार के सबसे अधिक बागानों की सघनता है। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। आपको यहाँ इतने अधिक बागानों की सघनता दिखाई देगी जितने अधिक आपको ताउम्र देखने को नहीं मिलेंगे, पूरी उम्र देखने को नहीं मिलेंगे। आगे का अध्ययन नेक्स्ट पार्ट में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।